रानी रानी पंचायत समिति की नवंबर निर्वाचित उप प्रधान श्रीमती शीला सिंह ने आज पंचायत समिति में विकास अधिकारी रणजीत चौधरी की उपस्थिति में पद ग्रहण किया। पद ग्रहण करने के पश्चात उप प्रधान शीला सिंह ने सभी उपस्थित महानुभावों को नवंबर वर्ष की शुभकामनाएं दी एवं सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि समिति क्षेत्र में विकास कार्य की कमी नहीं रहेगी। पेयजल व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि जवाई पेयजल योजना को आगे बढ़ाते हुए बाकी बचे हुए गांवों को भी जवाई पेयजल योजना से जोड़ने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। श्रीमती सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का प्रचार प्रसार कर क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। केंद्रीय बाल विकास श्रम बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी जनवरी कल्याण योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रशासन के साथ रहकर सरकार की नीतियों को जनवरी तक पहुंचाया जाएगा। पंचायत समिति प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिलाया। शिशुपाल सिंह ने सभी का आभार प्रकट करते हुए नवम्बर वर्ष की शुभकामनाएं अर्पित की। इस अवसर पर उप प्रधान शीला सिंह, विकास अधिकारी रणजीत चौधरी, सहायक विकास अधिकारी गुलाब राम व बंबर लाल, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चेना राम, सहायक विकास अधिकारी संघ जिला अध्यक्ष दौलत सिंह अखावत, कृषि पर्यवेक्षक दीपाराम रामगी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीमा राम चौधरी, पूर्व विकास अधिकारी गीसा राम बामणिया, चाचौड़ी सरपंच पूर्ण सिंह, राजेंद्र सिंह निम्बाडा, महेंद्र सिंह पेलोवनी, भोपाल का राजवीर देवासी, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बशीरुद्दीन, पूर्व पीसीसी सदस्य नरेंद्र कछवाह, दिनेश पारंगी, निवर्तमान नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद इलियास चड़वाह, निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष सुनील बैरवा, पूर्व पार्षद छोटू सिंह राज पुरोहित, प्रताप मीणा, सुरेंद्र सिसोदिया, इश्तियाक आफरीदी, हस्तीमल थावलेसा, ललित सिंह राज पुरोहित, लीला देवी वार्ड पंच, दुर्गा देवी वार्ड पंच बुसी, सुक्रियागर पूर्व महिला उपाध्यक्ष मोनिका कंवर निम्बाडा, बलवंत सिंह सरपंच निम्बाडा, नारायण लाल पूर्व उप सरपंच रानी गांव एवं नागरिकरण उपस्थित थे।